नामांकन आपके पहले भी इस पार्टी से किसी ने किया था, तो कैसे अचानक टिकट, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी को 2022 में सरकार बनानी है और आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने के लिए तमाम प्रकार के नेताओं को साथ में अपने रख रहे हैं। उसी में हमारे एक साथी को टिकट दे दिया गया था, क्योंकि चुनाव होता है जीतने के लिए, तो जैसा समीकरण बना आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम लोग को चुनाव में उतारा। कई लोग वहां से प्रयासरत थे और अंततः जो आपने टिकट अपने पक्ष में कर लिया जी, जी, जी। तो क्या लगता है ऐसे लोग जो विरोध में रहे, आप जिनका टिकट कटा वो विरोध नहीं करेंगे? देखिए, एक आप समझिए कि जो पार्टी के सिद्धांत का आदमी होता है वो पार्टी छोड़ के नहीं जाता। आप जानिए कि 5 साल मैंने मझवा का बेटा बन के काम किया और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब हमको नहीं दिया था टिकट तो मैं पार्टी और सिद्धांत छोड़ के नहीं गया। तो ऐसा कोई कहीं दिक्कत नहीं, इस बार मझवा की जनता चुनाव लड़ रही है और मझवा का बेटा होने के नाते मैं हर मझवा की वोटरों का, किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ और मझवा की जनता इस बार चुनाव जीतेगी। क्या लग रहा है इस समय, इसमें मुद्दा क्या होगा मझवा के लिए? देखिए, हमारे जिलाध्यक्ष जी सामने हैं, पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा, जो पार्टी का निर्देश होगा और जो जमीनी हकीकत होगी, जैसे जमतुआ बंदी का हुआ, आमघाट ओवर ब्रिज का हुआ और पहाड़ी ब्लॉक में पानी हमेशा गंदा पाया जाता है और यहाँ पे जितने पंप कैनाल है बंद पड़े हैं, मैं इस सरकार को चेतावनी से कहना चाहता हूँ, आपने 5 साल कोई काम नहीं किया और मैं आपके सामने खुली चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी को कि उनके पास प्रत्याशी नहीं मिला कि रोहित शुक्ला के सामने वो खड़ा कर सके। अगड़ी जात का कोई कैंडिडेट सालों से जो वहाँ पर जीत नहीं दर्ज कर रहा है, ऐसे में क्या लगता है? देखिए, जाति धर्म की बात वो करते हैं जो एक दूसरे को बांटते हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवाद के बंधु से बढ़े हैं, हमारे साथ नौजवान हैं, किसान हैं, व्यापारी वर्ग हैं और अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा सारे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और हम लोग निश्चय ही सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार 300 यूनिट बिजली जिस उस गरीब माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चों को जो 500 रुपये का 10,000 का मोबाइल नहीं दिला पाते थे, उनको आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो लैपटॉप देंगे। तो हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव वोटों से आप जीतने जा रहे हो? मैं पूर्वांचल के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहा हूँ, कोई मुझसे शर्त लगा लें, मैं पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने जा रहा हूँ क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। बहुत धन्यवाद।